हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू, आप सभी का दोस्त। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है कि ब्लॉगर के अंदर हम मैक्सिमम कितनी ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा ब्लॉगर के अंदर जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के लिए हम सिर्फ एक ही ईमेल आईडी का यूज करते हैं और उसके अंदर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाकर के जो है मल्टीपल ब्लॉग्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नई वेबसाइट क्रिएट करने के लिए सिंपल न्यू ब्लॉग के बटन पे क्लिक करके हम एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। जहां तक बात है ब्लॉगर के अंदर वेबसाइट क्रिएट करने की, तो दोस्तों मैंने मैक्सिमम आज तक जो है एक ब्लॉगर अकाउंट के अंदर 5 वेबसाइट तक क्रिएट की है, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आप मैक्सिमम कितने ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा मेरे पास और भी अकाउंट है, तो जितने भी आपके पास अकाउंट होते हैं लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे सिंपल प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो। लेकिन काफी सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, ब्लॉगर के अंदर जो है अकाउंट क्रिएट करते हैं और कुछ वेबसाइट इस तरह की बनाते हैं जो कि पायरेटेड कंटेंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि इस तरह की जो वेबसाइट होती है दोस्तों उन पर ट्रैफिक काफी ज्यादा होता है। तो इस तरह की ज्यादातर जो मूवीज डाउनलोड करने वाली वेबसाइट होती है, क्रैक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाली जो वेबसाइट होती है, ज्यादातर लोग जो है ब्लॉगर पर बनाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्री होस्टिंग की वजह से उनके ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आप जो है ब्लॉगर के अंदर कोई वेबसाइट क्रिएट कर भी लेते हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आई हिटसन है, उसके बाद फिर माई हिटसन है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी को चेंज करके एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में आसानी से स्विच कर सकते हो। लेकिन मान लो कि आपने कोई वेबसाइट क्रिएट की और उसके अंदर आपने कुछ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड किया जो कि गूगल की पॉलिसी को वॉयलेट करता है, ऐसे में गूगल क्या करेगा दोस्तों, सिर्फ आपकी उस पर्टिकुलर ब्लॉग वेबसाइट को रिमूव नहीं करेगा बल्कि आपका जो अकाउंट है उसको ही डिसेबल कर देगा। इसका मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे मैं जो अभी लॉगिन करके दिखाता हूँ, साइन इन करता हूँ और यहाँ पे जैसे मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड के लिए कहेगा, पासवर्ड जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा किस प्रकार का मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन डिसेबल, यानी कि ये जो मेरी ईमेल आईडी थी, मेरा जो ये अकाउंट था, इसको गूगल ने डिसेबल कर दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि आप ब्लॉगर के अंदर जितनी चाहे उतनी जो है ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसके अंदर किसी प्रकार की गलत एक्टिविटी करते हो तो न सिर्फ आपका ब्लॉग गूगल से हटाया जाएगा बल्कि आपकी जो ईमेल आईडी है, जो आपका अकाउंट है, उसको भी परमानेंटली डिसेबल किया जा सकता है। इसके आपको काफी सारे नुकसान हो सकते हैं। अगर आपने उसी ईमेल आईडी से अपना कोई यूट्यूब चैनल या फिर कोई और अकाउंट बना रखा है तो किसी को भी आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी होगी उसको ही गूगल डिसेबल कर देगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।